कॉलेज से आए आज हम आपके सामने हृदय दिवस के बारे में कुछ जानकारी आपको बताने जा रहे हैं, तो आप सभी आकर वो जानकारी प्राप्त करें और हमारा ये शो थोड़ा देखें। 29 सितंबर विश्व हृदय दिवस है, जिसके उपलक्ष्य में हम आपको जानकारी देंगे और हमारा मुख्य शीर्षक है हार्ट अटैक हृदय रोग। हमारी मदद कर सकती है।
जैसा कि सबने बताया कि किस किस कारणों से हमें हार्ट अटैक होता है। आज दुनिया में हर कोई किसी न किसी बीमारी से गुजरा है और उसी में से एक बीमारी है हार्ट अटैक, जो हमें किसी न किसी को देखने को मिलती है। अभी हमें एक आंटी मिली थी, उन्होंने बोला कि शराब और धूम्रपान ये इंसान लोग करते, ठीक है, मेल लोग करते, हम औरतें नहीं करते। तो औरतें हमें क्यों होता है? तो आप लोग जो है औरतें लोग जो होती है वो ज़्यादा मोटापे की वजह से या ज़्यादा स्ट्रेस लेने से और टेंशन लेने की वजह से आपको ये होता है, या किसी ऑयल की जो चीज़ें आप बनाते हैं उसकी वजह से आपको ये होता है। तो इसको आपको बचने के लिए आपको रोज़ एक्सरसाइज करनी चाहिए, रोज़ व्यायाम करना चाहिए, और आपको कभी कभी जो आप आराम कर भी रहे फिर भी आपको थकान महसूस होती है, या आपके पैरों में तलवे जो है उसमें सूजन आ जाती है, या सांस लेने में आपको दिक्कत होती है, तो इस कारणों से आपको हार्ट अटैक हो सकता है। तो ऐसा अगर आपको लक्षण दिखाई देते हैं तो आपको तुरंत ही हॉस्पिटल में जाकर वो आपको चेकअप करना चाहिए। और आप रेगुलर एक्सरसाइज में ऐसे व्यायाम कर सकते हो, रेगुलर खान पान का अपना ध्यान रखें जिससे अच्छा हेल्थ बना रहे और अपनी जो मोटापा है उसको कम करें, जिससे बीपी या रक्तचाप का बढ़ने का संभावना है उसे कम किया जा सके, और जो सिगरेट या दारू पी रहे हैं या शराब पी रहे हैं वो ना पिए, क्योंकि इससे ज़्यादा ये बीमारी होने का चांस ज़्यादा रहता है, जिससे बचा जा सके। और हम आपके अच्छे हेल्थ की शुभकामना करते हैं। धन्यवाद। जीवन।